बिलासपुर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कोनी स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया। एशिया महाद्वीप के प्रथम आईटीआई होने का गौरव इस संस्थान को हासिल है। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1939 से 40 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेडों में पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली, जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान एवं कलेक्टर नवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाए जाने की जरूरत है। फिलहाल केवल 125 छात्र छात्राओं के 2 हॉस्टल सुविधा है, जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने संचालित इन दोनों छात्रावासों में मेस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप नए ट्रेडर्स खोलने की जरूरत भी बताई। जिन ट्रेडों में रोजगार एवं नौकरी की संभावनाएं बंद हो गई है, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय भेजने को कहा। आईटीआई वर्तमान में 60 एकड़ भूमि पर पसरा हुआ है। इसके सामने के कुछ हिस्सों को व्यवसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर संस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज।